तो कुछ दिनों पहले मैंने एक पोल डाला था, जिस पोल में मैंने ये पूछा था कि आपके कॉलेज एडमिशन का स्टेटस क्या चल रहा है, और यार मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने अभी तक एडमिशन ही नहीं लिया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कॉलेज एडमिशन लेने के समय ये एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है, क्योंकि यार एक कॉलेज में एडमिशन लेने से ना ही सिर्फ आप ये डिसाइड करते हो कि आपको पढ़ना कैसे है, बल्कि आप ये भी डिसाइड करते हो कि आपके आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, और सारी की सारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं वही चली जाती है। मुझे पता है कि तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, और आज के डेट पे यार कॉलेज में एडमिशन लेने में काफी लोगों को ये भी फियर हो रहा होगा, क्योंकि यार रिसेंटली हम लोगों ने काफी सारे ऐसे न्यूज पढ़े हैं जिसमें कि यार इनफैक्ट IITs भी आज के डेट पे प्लेसमेंट नहीं करा पा रही है। पता है क्यों? आपको नहीं पता हो बट मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यार बहुत सारा रिसर्च किया था, और मैंने एक बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ी थी लिंक्डइन पे, जिस लिंक्डइन पोस्ट में ये लिखा था कि आज के डेट पे बच्चे जो हैं वो उतने स्किलफुल हो ही नहीं पा रहे हैं कि वो जॉब रेडी हो जाए। हमारे कॉलेज में भी लास्ट ईयर यार प्लेसमेंट्स चल रहे थे, और उस प्लेसमेंट्स में मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज गौर करी कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो आती है यार, वो बड़े बड़े MNCs आते हैं, वो आ रहे यार कुछ ऐसा ढूंढने के लिए, एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि उनके लिए स्किलफुल हो, जो कि एक्चुअली में उनकी कंपनी में कुछ उन्हें ऐड करके दे, और वो उनकी ग्राफ को ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि एक ऊपर की ओर ले जाए। और ऐसे इंप्लॉयज आज के डेट पे मिलना मुश्किल है भैया, क्योंकि वही 60-70 से चला हुआ करिकुलम अभी भी चले जा रहा है। 60-70 पहले जो सेम चीजें पढ़ाई जाती थी आज भी पढ़ाई जाती है, तो इनोवेशन कहां से आएगा, नई चीजें कहां से आएगी? नई प्रॉब्लम्स जो है वो तो हर दिन आती है, लेकिन नई प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए वो स्किल और वो माइंडसेट कहां से आएगा? बस इसी की कमी हो रही है, जिस वजह से आज के डेट पे प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है, जॉब नहीं है? जॉब्स है, बट इंसान उस जॉब को लेने के लिए अभी रेडी नहीं हो पा रहा है। अब देखो यार, तुमने काफी सारे ऐसे रील्स देखे होंगे जिसमें कि तुमने देखा होगा कि लोग आज के डेट पे अपने पैसे या फिर उस स्टॉक्स में पैसे लगा रहे हैं जो स्टॉक्स फ्यूचर प्रूफ है। फ्यूचर प्रूफ बोले तो टेक इनेबल स्टॉक, जो कंपनीज टेक में काम कर रही है, जो कंपनीज नेचुरल रिसोर्सेज में काम कर रही है। तो जब तुमने इतने सारे रील्स देखे हैं, तुम पे इतना ज्यादा दिमाग है, तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए ना कि वाइल चूजिंग योर कॉलेज और वाइल चूजिंग योर डिग्री, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, कि मैं कुछ ऐसा करूं जो कि मेरे फ्यूचर रेडी बनाए, जो कि मुझे भैया फ्यूचर में अलग दिखाए। हमें पता है यार कि फ्यूचर इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और टेक, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, भैया मैं तो जा रहा हूं भैया मैं ये कोर्स कर लेता हूं, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। नहीं भाई, उतने समय से एक ही सेम चीज चला आ रहा है, फिर क्या मतलब है करके वो चीज। उस लिंक्डइन पोस्ट को पढ़ने के बाद जो मैंने ये चीज देखी कि उसमें लिखा हुआ था कि देयर आर जॉब्स बट देयर आर नॉट स्किलफुल स्टूडेंट्स, बस उसी पोस्ट को पढ़ने के बाद मैंने अपनी थोड़ी सी रिसर्च भी राई। तो मैंने यार तुम्हारे लिए एक ऐसा कॉलेज ढूंढा है जो कि तुम्हें एक्चुअल में फ्यूचर रेडी बनाता है, और इस कॉलेज का नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए लेके आते हैं यार 4 ईयर्स का बीटेक प्रोग्राम, और ये 4 ईयर्स का बीटेक प्रोग्राम वो नॉर्मल घिसा पिटा बीटेक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये है इन AI एंड मशीन लर्निंग, बिकॉज वी ऑल नो दैट फ्यूचर इज ऑल अबाउट टेक। टेक से ही फ्यूचर ग्रो हो रहा है, और आज के डेट पे आपको भी पता है यार कि टेक कितने जॉब रिप्लेस कर रहा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। बैक इन द डेज, मतलब कि मेरे फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक अकाउंट्स कंपनी में काम करते हैं, और उन अकाउंट्स कंपनी में यार उस समय एक छोटी सी अकाउंटिंग, मतलब कि एक छोटा सा कुछ मैनेज करने के लिए अराउंड 7-8 लोग एक चीज पे काम कर रहे होते थे। आज के डेट पे यार वहां पर एक इंसान की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरी थिंग जो है वो कि उससे कंट्रोल हो रही है। तुम देखो ना, टेक के आने से जितनी भी जगह की फाइनेंस टीम थी वो शॉर्ट एंड शॉर्ट होते जा रही है, जितनी भी जगह की वो टीम है जिसमें कि एक्चुअल में मैन पावर लगता है वो भी शॉर्ट हो रही है। इनफैक्ट की ऑपरेशंस में, प्रोडक्शन में इतनी सारी अच्छी असेंबली लाइंस बन गई है, इतने सारे अच्छे प्रोडक्शन यूनिट बन गए हैं कि वो जो लोग हैं वो घटते जा रहे हैं। तो भाई वो बनो ना फ्यूचर में, जो उन चीजों को बना रहा है, इन्वेंट कर रहा है, उन टेक को लेके आ रहा है, वो क्यों बनना है जो उन टेक से रिप्लेस हो रहे हैं। और अगर भाई तुमको वही 60-70 साल पुराना वाला करिकुलम अभी भी कंटिन्यू करना और आगे भी करना है, तो फिर कोई मतलब नहीं है वो स्किल वो इनोवेशन जो तुम सोचते हो कि तुमको करना है जीवन में, नहीं तुम बस एक एम्प्लॉय बन के रह जाओगे। यार द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कि यहां पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता है आपको, जब आप एक समुद्र को पार कर रहे होते हो, जो आपके 4 साल का बीटेक है, जब आप उसको पार कर रहे होते हो, तो जिस नाव में आप सवार होते हो ना, आपका पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है कि उस नाव को चलाने वाला कौन है, राइट? तो वैसे ही यार पोलारिस स्कूल को चलाने वाले वो लोग हैं जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में लगभग 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है,
उन्होंने कई लाखों बच्चों को गाइड किया है अबाउट इंजीनियरिंग और काफी सारे बच्चों को ट्रेन किया है, काफी सारे ऐसे इंजीनियर्स को जो कि आज के डेट पे बड़े बड़े फाउंडर्स हैं। एंड इनफैक्ट ये फाउंडर्स वही है जिन्होंने क्लास प्लस बनाया, आपने क्लास प्लस का नाम तो जरूर सुना होगा। एंड दे आर मुकुल रस्तगी एंड भास्वत अग्रवाल। लाइक यार जैसा कि मैंने पहले भी बताया, दे हैव ट्रेंड अ लॉट ऑफ इंजीनियर जो कि आज के डेट पे इतने बड़े बड़े इनोवेशंस कर रहे हैं और आप उन्हीं के नाम में जाने वाले हो। देखो यार, मेरे को आज के डेट में ये लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है टेक रिलेटेड तो आप काफी आगे जा सकते हो। मतलब मैं भी पर्सनली आज के डेट पे काफी ऐसे लोगों को ढूंढता हूँ जिनको अच्छी कोडिंग आती हो, जो कि कुछ अच्छा बनाना जानते हो, जिनको वो छोटी छोटी स्किल्स आती हो ना जो कि रिक्वायर्ड है। तुम्हें पता है, मैं बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में ही रिसेंटली एक बच्चा है जिसको कि मतलब कि मजा नहीं आ रहा था उतना ज्यादा MBA करने में, एंड ही वॉज एन इंजीनियर। उसने यार हाल ही फिलहाल ड्रॉप आउट लिया क्योंकि उसकी स्किल अच्छी थी, राइट? उसकी स्किल अच्छी थी, उसने कोडिंग अच्छी सीखी थी एंड उसने अभी एक स्टार्टअप पे काम करना शुरू किया है जिसके बारे में मुझे लगता है आई एम कॉन्फिडेंट दैट ही विल अचीव समथिंग एंड आई विल लेट यू नो व्हाट इज दैट स्टार्टअप। तुमने नाम भी सुन लिया होगा अभी तक आई थिंक। बट द थिंग इज यार कि यहाँ पर लोग जो है ना अपनी स्किल से काफी ज्यादा काफी कुछ अचीव कर पा रहे हैं। अब तो देखते ही हो भैया, शार्क टैंक वगैरह देखते रहते हो दिन से रात, देख के मजा ही आता होगा, लगता है कुछ करें। बट यार वो करने के लिए स्किल तो चाहिए ना, मैन पावर तो भाई पूरी दुनिया में पड़ा है। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है जो चीज तुम्हें वहां पर जरूरत आएगी तो फिर क्या मतलब है? तो चलो यार बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में कि ये बीटेक होने वाला कैसा। मतलब भैया आपने इतना यूनिक बोल दिया, बट इसमें है क्या? तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है इस बीटेक में यूनिक। ये आपका एक 4 साल का बीटेक प्रोग्राम होगा इन कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में आपको मैंडेटरी 5000 आवर्स की कोडिंग करनी है। अब तुम लोग बोल रहे हो भैया 5000 आवर्स की कोडिंग, भाई आपको मैं बता दूं, एक जो पायलट बनता है उसको कितने कितने घंटे तक वो फ्लाइट उड़ानी पड़ती है उसको ट्रेनिंग में, तब जाके उसको एक लाइसेंस मिलता है। एंड दिस कोडिंग, ये 5000 आवर्स की कोडिंग आपका एक लाइसेंस है, ऐसा समझ लो। ये 5000 आवर्स की कोडिंग अगर कोई बच्चा कर लेता है यार, तो मेरे हिसाब से भाई वो तो भाई जीनियस लेवल पे भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, लाइक द सिग्मा कोडर्स। भाई अगर बात करें अगर कोडर्स की ना, और किसी पे 5000 आवर्स का कोडिंग एक्सपीरियंस है, भाई वो कुछ भी बना सकता है, ठीक है? मैंने यार बड़े से बड़े स्टार्टअप देखे हैं इस पिछले 4 से 5 महीने में। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल। मतलब मैं भाई अपनी इंटर्नशिप कर रहा था कुछ दिन पहले और मैंने भाई इंडस्ट्री में काफी ऐसे ऐसे लोगों से मिले, बड़े बड़े नेम्स मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े नेम्स से, इनफैक्ट द फाउंडर्स ऑफ सम बिग इंस्टीट्यूट, सम बिग कंपनीज, उनसे मैं मिला हूँ और उनसे मिलके मैंने बातें करी और मेरे को ये समझ में आया कि व्हाट काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस इट होल्ड्स, ठीक है? सारे वही टेक फ्रीक है भाई, सारे टेक फ्रीक है। मतलब एक टेक के बारे में उनसे बात करो, दे आर रेडी टू टॉक विथ यू फॉर लाइक 5-6 आवर्स। मैंने और एक इंसान ने बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे 6 घंटे बात करे एंड इज अ वेरी वेरी बिग फाउंडर। मतलब वो फाउंडर टीम्स में थे, ठीक है? मतलब कंपनी काफी अच्छी है, मैं बताऊंगा कभी आगे आपको। तो उन लोगों से बात करने के मैंने बहुत कुछ सीखा इसके बारे में और मुझे लगता है भाई कि अगर आगे की ओर देखते हैं, फ्यूचर की ओर देखते हैं भाई, तो इट इज वेल एंड गुड। मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं ऑप्शन मेरे को दिखता है ऑनेस्टली। सो यार ये 5000 आवर का जो कोडिंग है ना, ये तुमको फ्यूचर रेडी तो भाई 100% बना देगा। मतलब तुम्हें आ जाएगा, चीजें बनाना आ जाएगा। अब क्योंकि भाई बात ऐसी है ना कि प्रो लेवल पे पूरी दुनिया जा रही है, अपने को जाना है सिग्मा लेवल पे, तो सिग्मा लेवल पे जाने के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ती है। नाउ यार अब बच्चों को जो सबसे ज्यादा वो रहती है उत्सुकता किसी कॉलेज को लेके, भैया प्लेसमेंट क्या है, कौन सी कंपनीज आ रही है, तो मैं आपको बता दूं भाई कि पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद मेदवी स्कूल यूनिवर्सिटी के 3 बच्चों ने गूगल समर ऑफ कोड ऑलरेडी क्रैक कर दिया है और इसमें उनको मिलने वाला है 3 लाख तक का स्टाइपेंड। समझ रहे हो, 3 लाख तक का स्टाइपेंड बस। और तो और 8 बच्चों ने यार समर ऑफ बिटकॉइन भी क्रैक किया है और ये किसी न्यू कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यार आज के डेट पे बड़े बड़े कॉलेज के बच्चे भी ये क्रैक नहीं कर पाए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट्स, दे हैव लाइक 200+ प्लेसमेंट पार्टनर्स विद देम जो कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है, आप इनके वेबसाइट पे जाके जरूर चेक कर सकते हो। और तो और यहाँ की जो इंटर्नशिप है यार वो सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है आपके लिए। मतलब सेकेंड ईयर से ही आप वो कल्चर देखने लगोगे और सीखने भी लगोगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये भी बात है कि भैया हमारा करिकुलम तो न्यू है, हम कुछ नया सीख रहे हैं, बट ये सिखाने वाले कौन है? यहाँ भाई जो हमारे फैकल्टीज है, दे आर द टॉप फैकल्टीज एंड एल्यूमनाइज फ्रॉम IITs। बहुत सारे टेक लीडर्स, CTOs एंड फाउंडर्स जिन्होंने काफी सारी कंपनीज बनाई है, वो सब के सब आपको यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं ये नया करिकुलम।
बिल्कुल पहले ही दिन से आपको पता चलने लगेगा कि एक्चुअली में इंडस्ट्री में टेक काम कैसे कर रहा है, चीजें हो कैसे रही हैं। और हाँ यार, जो कैंपस है वो सिचुएटेड इन बेंगलुरु, और यहाँ का कैंपस भाई काफी ज्यादा इनोवेटिव एंड लश है। आपको मैं बता दूं कि कैंपस में यार आप लोगों को काफी ज्यादा नेटवर्किंग बनाने का मौका मिलेगा, एंड इट इज फुल्ली इंस्पायर्ड बाय वो यूएस में जैसे मास्टर्स होता है कि आप काफी लोगों से बात करते हो, काफी अच्छी नेटवर्किंग बनाते हो। अभी तुम्हें नेटवर्किंग का इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगा, लेकिन जब तुम मेरे स्टेज पे पहुंचोगे जहां भी मैं हूं, तब तुम्हें समझ आएगा भैया कि नेटवर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वही आपको ये कॉलेज कैंपस प्रोवाइड कराता है। तो मैं बता दूं कि इस कॉलेज के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 5th of July है, तो फटाफट जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके अभी के अभी अप्लाई कर लो, क्योंकि भाई तुमको बनना है फ्यूचर रेडी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम कुछ अलग करो। क्योंकि भैया आपको मैं बता दूं कि जिस रास्ते पे आप जाने का पहले सोच रहे थे ना, वो नॉर्मल प्लेन, वही 60-70 साल पुराना वो रास्ते पे, भाई तुम्हारे पीछे आगे जहां भी देखोगे इतने बच्चे हैं कि कंपटीशन तो छोड़ ही दो, पहली बात है कि भैया कहां ही से कुछ होगा। लेकिन एक अलग रास्ता जब तक आप नहीं निकालते हो ना, तब तक कुछ नहीं होता है। अलग रास्ते की इंपॉर्टेंस आपको आज नहीं समझ आएगी, शायद आप हाईली इन्फ्लुएंस्ड हो कुछ लोगों से, आपको लगता हो कि यही एक पाथ है, यही एक जरिया है, यही एक तरीका है मेरे आगे जाने का, बट दिस इज ऑल फेक भाई। आगे निकलो, बाहर निकलो, दुनिया देखो यार, समझ आएगा कि एक्चुअली में चीजें ऐसी नहीं हो रही है, एक्चुअली में कुछ नया, कुछ अलग और कुछ हटके करने वाले ही लोग वहां पर पहुंच पा रहे हैं। क्या है भाई सक्सेस रेट, कितने फाउंडर्स है, कितने ज्यादा नहीं है ना, वही बनना है हमें आगे चल के, कुछ फोड़ना है ना, कुछ क्रैक करना है, कहीं पहुंचना है एक लेवल पे। तो फिर कहीं एक लेवल पे पहुंचना है तो उसी रास्ते में अगर जाएंगे जिसमें सब लोग जा रहे, तो कहां से पहुंचेंगे, सीढ़ियां तो ब्लॉक रहेंगी ना पहले से, और कंपटीशन भी इतना ज्यादा। कुछ नया सीखेंगे यार, कुछ अलग से सीखेंगे, कुछ हटके सीखेंगे और कुछ तगड़ा करेंगे यार, बहुत तगड़ा है ना। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, जाके भी एप्लीकेशन अप्लाई कर दो फटाफट, बाद में नहीं हो पाएगा फिर मेरे को मत बोलना, ठीक है। और आप टेंशन मत लो अपने एडमिशन का, मेरा ट्रस्ट है भाई, बहुत रिसर्च किया है तभी इतनी डिटेल्ड वीडियो बनाई है, नहीं तो नहीं बना पाता। तो जाओ फटाफट और जाके चेकआउट करो। और तुम लोगों को अभी जो भी कंफ्यूजन आ रही होगी भाई, 12th पास कर लियो, जो कुछ भी आ रहा होगा नीचे कमेंट करो, आई विल लव टू हेल्प यू गाइज, आई विल लव टू मेक वीडियोज फॉर यू। और मेरे को काफी मजा आ रहा है आजकल ऐसी रिसर्च वीडियो बनाने में, जिसमें मैं काफी ज्यादा कुछ सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो जाओ फटाफट, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।